एक अंत है और उस अंत के जस्ट पहले का हिस्सा हम आपको सुना रहे हैं. इट्स कॉल्ड पदीमा. दिस इज वेयर आपके सारे हीरोज एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हैं. ऑफ नाक दिन भीम दे जिसने हमसे छीन लिए थे हमारे सुपर हीरोज आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, हल्क. छीन लिए गए हमारे गार्डियंस. अब दुनिया वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी. अब यहां विलन्स का राज है. आसपास सब पंजर रेगिस्तान है जहां रेडिएशन की जहरीली हवा के साथ साथ सड़कों पर जुर्म फैला हुआ है. ये जगह है वेस्टलैंड्स. आज सीरीज का जो हिस्सा आप सुनने वाले हैं वहां हमारे हीरोज ब्लैक विडो और स्टार लॉर्ड एक कॉस्मिक क्यूब के जाल में फंस गए. हॉकआई और वुल्वरीन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें नहीं पता कि इस खेल की चाबी है सुपर विलन डॉक्टर डूम के हाथों में. वो लगातार सड़क पर आने वाले दरवाजों के नॉब्स खोल खोल कर आगे बढ़ रहे हैं. कॉस्मिक क्यूब की शक्ति से सड़क और बिल्डिंग्स भयंकर रूप से हिलकर अपना आकार बदल रही हैं. और तभी नताशा के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है और वो नीचे गिर जाती है. शहर की सड़कें गायब हो रही है. उनके बिना निकलना मुश्किल होगा. नहीं, वो एक सड़क के टुकड़े पर आकर गिरती है पर अचानक से उनके नीचे की जमीन गायब होकर बिखर जाती है. नहीं नहीं नहीं, नताशा हवा में तेरे वो शून्य में गिरती जा रही है. वो खाली बन के पिंजरे में आ रही है. कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से एक तेज आवाज बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नताशा की पुरानी यादों की झलकियां उसके सामने घूम रही है. जवाब दे, कहाँ है तू? और जब उसकी पॉलिटिकल स्पार्क किसी की आवाज है, ऐसे जैसे किसी कॉस्मिक क्यूब के अंदर से आ रही है. क्यूब टूट रहा है, इसके दरारों से स्पार्क निकल रहा है. नताशा को क्या हाल है? पूछने की कोशिश कर रहे हैं. क्यूब ने उसे जकड़ रखा है. क्विल की हालत भी ऐसी है क्या? इधर आओ, क्विल को खींचो, मैं मेरी मदद करो. वो दौड़कर स्टार लॉर्ड के पास पहुंचता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे कॉस्मिक क्यूब से बाहर खींचता है जहां क्विल सच्चाई और भ्रम के बीच में जूझ रहा है. छोड़ दो मुझे, जाने दो. क्विल निकल रहा है, जोर से खींचो, जोर से, कम ऑन क्विल, हर बदलाना. पर अचानक से क्विल में एक बदलाव आता है. उसकी आवाज मानो एक शैतान के जैसे हो जाती है. छोड़ दो मुझे. साथ दे, साथ दे. तुम मेरा साथ. क्विल, अंदर जो भी है कौन सी गलतियां? सारी गलतियां. क्यूब की ताकतवर काली शक्तियां आसपास भयानक रूप से मंडरा रही है. डैमिट, वो सही कह रही थी. क्या, कौन? ब्लैक विडो, स्टार टार में मैं बदले की आग में चुना साथ. उसने मुझे अस्त्र दिखाने की कोशिश की पर मैं मेरे को देख ही नहीं पाया. क्या दिखाना चाहती थी वो? मासूम लोगों की सड़क की और वो कितनी तकलीफ हो रही है. अब अगर क्विल अपनी कोशिश में कामयाब हुआ तो सब पर असर पड़ेगा. ऐसा हो जाएगा कि कुछ लोग पैदा भी नहीं होंगे. हमें इसे रोकना होगा. कम ऑन, चलो मैं पूरा जोर लगा. क्लिंट और लोगन आगे बढ़ते हैं और क्विल को पकड़ के अपनी पूरी ताकत से खींचते हैं. चलो आओ क्विल, नहीं छोड़ो मुझे. स्टार लॉर्ड ने क्विल को और भी ज्यादा तेजी से पकड़ लिया है. शुक्रवार को आयोजित इवेंट के सैफ अली खान और करीना कपूर खान पहुंचे हुए सन. सैफ अली खान और करीना कपूर ने इवेंट के अपने स्वैग के साथ सब का ध्यान अपने वाल खिंचा. सैफ अली खान और करीना कपूर की कई तस्वीर सामने आ चुकी ने जिस में इस जोड़ी का अंदाज वखरा नजर आ रहा है. फैनस दोवों दस्वीर काफ़ी पसंद कर रहे हैं. सैफ अली खान और करीना कपूर ने वक् वक् स्टाइल के पोज दे के तस्वीर क्लिक करवाई. सैफ का नवाबी स्टाइल और करीना का बेगम स्टाइल साफ नज़र आ रहा है. सैफ अली खान ने ब्लैक कलर की टी शर्ट डैनिम जीन्स के नाल ग्रीन कलर की जैकेट पाई हुई सी. उत ही करीना कपूर ने ब्लैक ब्रिलेट के नाल पर्पल पेंट सूट पाया हुआ सी. करीना कपूर ने सैफ अली खान के नाल खड़े होकर जबरदस्त अंदाज पोज भी दिते. इस नाल ही पटौदी परिवार के नवाब ने मुस्कुराहट के नाल सारे का दिल जीत लिया. सैफ अली खान और करीना कपूर लिए पहली बार नहीं है जदों दोवें किसी इवेंट इकट्ठे नजर आए हो. इस पहला भी इस जोड़ी कई प्रोग्राम्स इकट्ठे देखा जा चुके हैं. सैफ अली खान और करीना कपूर का विआह साल 2012 होया सी. सैफ अली खान और करीना कपूर के दो बेटे तैमूर अली खान और जय अली खान ने. सैफ अली खान का विआह करीना कपूर तो पहला अमृता सिंह के नाल होया सी. उन्होंने दो बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान ने.
सैफ अली खान ने अमृता सिंह नूं तलाक दिता है। वर्क फ्रंट की गल करिए तो सैफ अली खान आखिरी बार फिल्म विक्रम वेदा दे विच नजर आए सन। हुण सैफ अली खान फिल्म आदिपुरुष दे विच काम करते नजर आएंगे। उत्थे करीना कपूर आखिरी बार फिल्म लाल सिंह चड्डा दे विच नजर आई सी ते हुण करीना कपूर फिल्म द क्रू दे विच काम करती नजर आएगी। फिलहाल आओ एक बार फिर तो देख लेने हैं सैफ करीना दी ताजा वीडियो। इस पूरी कहानी का एक अंत है और उस अंत के जस्ट पहले का हिस्सा हम आपको सुना रहे हैं। इट्स कॉल्ड पदीमा। दिस इज वेयर आपके ये सारे हीरोज एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हैं ऑफ नाक दिन वी डे जिसने हमसे छीन लिए थे हमारे सुपर हीरोज आयरन मैन थॉर कैप्टन अमेरिका हल्क छीन लिए गए हमारे गार्डियंस। अब दुनिया वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। अब यहां विलन्स का राज है। आसपास सब बंजर रेगिस्तान है जहां रेडिएशन की जहरीली हवा के साथ साथ सड़कों पर जुर्म फैला हुआ है। ये जगह है वेस्टलैंड्स। आज सीरीज का जो हिस्सा आप सुनने वाले हैं वहां हमारे हीरोज ब्लैक विडो और स्टार लॉर्ड एक कॉस्मिक क्यूब के जाल में फंस गए। हॉकआई और वुल्वरीन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें नहीं पता इस खेल की चाबी है सुपर विलन डॉक्टर डूम के हाथों में। वो लगातार सड़क पर आने वाले दरवाजों के नॉक्स खोल खोल कर आगे बढ़ रही है। कॉस्मिक क्यूब की शक्ति से सड़क और बिल्डिंग्स प्लान का रूप से हिलकर अपना आकार बदल रही है और तभी नताशा के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। शहर की सड़कें गायब हो रही हैं, उनके बिना निकलना मुश्किल होगा नहीं। वो एक सड़क के टुकड़े पर आकर गिरती है पर अचानक से उनके नीचे की जमीन गायब होकर बिखर जाती है। नहीं नहीं नहीं, नताशा हवा में थे वो शून्य में चली जा रही है। वो खाली बन के पिंजरे में आ रही है। कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से एक तेज आवाज बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नताशा की पुरानी यादों की झलकियां उसके सामने घूम रही है।